क्वेश्चन है हमारा ऑप्टेन स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हम क्या करते हैं कि डेटा को अरेंज करते हैं, ये हमारे पास रॉ डेटा है, इसको हमने अरेंज करना है स्टेम एंड लीफ प्लॉट ऑप्टेन करना है इसमें। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हमारे पास दो वेरिएशन होती है, एक तो स्टेम वेरिएशन होती है हमारे पास और एक हमारे पास लीफ में वेरिएशन अलग होती है। अच्छा अब हम डेटा देख लेते हैं, डेटा किस टाइप का है। तो डेटा हमारे पास, डेटा में जो चल रहा है हमारे पास, डेटा में भी दो वेरिएशन चल रही है। एक तो यूनिट पोजीशन पर हर दफ़ा ये चेंज हो रहा है, डेटा टू आ जाता है कभी यूनिट पोजीशन पर, कभी यूनिट पोजीशन पर जो हमारे पास थ्री आ जाता है, कभी टू आ जाता है, कभी फोर आ जाता है, कभी वन आ जाता है। तो यूनिट पोजीशन पे एक वेरिएशन चल रही है और एक वेरिएशन जो चल रही है हमारे पास डेसिमल, वन डेसिमल प्लेस में भी चल रही है। वन डेसिमल प्लेस में कभी वन आ जाता है, कभी सिक्स आ जाता है, कभी थ्री आ जाता है, कभी वन आ जाता है। तो ये वेरिएशन चल रही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, स्टेम को जो है हम यूनिट पोजीशन दे देते हैं और लीफ को जो है हम डेसिमल प्लेस दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है डेटा में, जो कि रेंज कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती है वो आपके पास रेंज कहलाती है। तो मिनिमम वैल्यूज में जो मेरे पास डेटा है, एक तो वो ये है 1.6 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4.7 है। इसका मतलब है डेटा जो है हमारे पास 1.6 और 4.7 के दरमियान है डेटा। अच्छा तो मिनिमम हमारे पास इस टाइम यूनिट पोजीशन मिनिमम कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, इससे मिनिमम नहीं हो सकती हमारे पास, 0 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती। तो मिनिमम यूनिट पोजीशन जो हमारे पास 1 है, तो इसको हम इस टाइम में लिख देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है और फिर ये 4 आ सकता है। ये आ गया हमारे पास, इस टाइम हमने एंटर कर दिए सारे। अच्छा अब लीव में हमने डेसिमल प्लेस जो है वो एंटर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मैं 2.2 को ऐड करूँगा इस डेटा में, इस टाइम एंड लीव प्लॉट में। तो 2.2 को आप कैसे ऐड करेंगे कि ये 2 लिखा हुआ है, ये तो आ गया आपके पास यूनिट पोजीशन 2, और फिर इसका जो डेसिमल है 0.2 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा इसको फिर टेक कर देगा फिर ये 3.4 है, इसको भी मैं कर देता हूँ 3 आ गया और ये 0.4 ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास 2.5 है, 2 ये आ गया और ये 5 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें जो है ना आपने स्पेस बार नहीं देना, ना स्पेस देना ना कोई कॉमा लगाना है, बस आपने इसी तरह लिखते जाना है। फाइनली हम एक की लिखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि वापस हम डेटा किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये 3 है, 3.3 है, उसके बाद ये 4.1 है। इसके बाद ये 4.7 आ गया, इसके बाद 3.8, फिर ये 2.6, उसके बाद ये 3.9, फिर 0। और यहाँ पे एक और हम कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, इसमें फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि आप ये देखेंगे कि इसमें कितनी एंट्रीज हुई हैं आपके पास। तो ये 6 हुई है, 1.6 हुई है, 1.9 हुई है, तो ये 2 एंट्रीज हुई हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देख लेंगे कितनी एंट्रीज हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंट्रीज हुई हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी आपके पास इसमें आ जाएगी 25 ये वैल्यूज आ जाएंगी और ये आपके पास 8 वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा इन सब को टोटल करेंगे तो ये आपके पास 40 वैल्यूज आ गए। तो ये टोटल 40 वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल जो आना चाहिए 40 वैल्यूज का आना चाहिए। तो ये आपके पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अच्छा स्टेम एंड लीफ प्लॉट थोड़ा सा आपको हिस्टोग्राम भी शो कराता है कि ग्राफ किस तरह का है, कि सबसे ज्यादा वैल्यूज जो आपके पास है 3 में है, सबसे ज्यादा वैल्यूज है, और सबसे कम वैल्यूज जो है 1 के पास है, और इसी तरह 4 के पास भी कम वैल्यूज है, तो मिडिल में सबसे ज्यादा वैल्यूज है। तो आप इसको अगर देखें तो ये सबसे मिनिमम वैल्यूज हैं, ये भी मिनिमम वैल्यूज हैं, और सेंटर में जो है वैल्यूज ज़्यादा हैं। तो ये एक नॉर्मल हिस्टोग्राम जो है वो शो कर रहा है। अब आप करेंगे क्या कि आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, इसकी की लिखनी है कि की में क्या है। तो की आप इस तरह से लिखते हैं, ये की लिखा मैंने। अब
अब इसमें से कोई सा भी जो भी आपको नंबर पसंद आता है वो लिख लें, जैसे ये टू मैंने लिखा और यहाँ एक लाइन डालते हैं और फिर ये कोई सा भी नंबर लिख लें टू, और ये फाइव लिख लेता हूँ टू फाइव, तो ये इज इक्वल्स टू करेंगे इसको 2.5 करेंगे इसको, तो ये टू स्टैम्प होगा और ये लीव आपके पास फाइव होगा, तो ये आपके पास 2.5 बनता है, ये की लिख दी। अब जो भी रीडर होगा इसको जब इसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये डेटा किस तरह से, ये 1.6 है और ये 1.9 है, ठीक है, तो ये की आपको ओपन कर देगी कि ये डेटा आपके पास किस टाइप है। और फिर फाइनली आपने करना ये कि जो लीव्स हैं आपके पास इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बस। तो जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं स्टेम एंड लीव प्लॉट में, तीन कॉलम होते हैं, स्टेम होता है, लीव होता है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, और फिर ये फ्रीक्वेंसी आ जाता है।